हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है लैम शोल्डर रोस्ट। इसको आप लेग पीस के साथ भी बना सकते और शोल्डर पीस का इस्तेमाल करके भी बना सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लैम शोल्डर रोस्ट बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक शोल्डर पीस है। अगर आप चाहें तो लेग पीस भी ले सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैं बोन के पास से एक कट लगाई ताकि मैं इसको कुकर में कुक कर सकूं। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखें और इसके ऊपर पपाया का पेस्ट अगर लगाएं तो आपको कुकर में कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रोस्ट करके पका सकते। लेकिन मैं इसको 3 to 4 hours के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ, ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करी। इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसका एक जो बोन है उसको कट कर दे ताकि इसको अच्छे से फोल्ड करके हम प्रेशर कुकर में इसको कुक कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बाद इस तरह से आपको डीप कट्स लगाना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से अंदर चला जाए। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे मसाला इसका, जिसके लिए लेना है 1 cup दही, जो कि 250 grams आप ले सकते हैं। दही लेके इसमें आप जो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दही थिक योगर्ट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। अब देखते हैं इसमें हम कौन से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 teaspoon नमक, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 2 teaspoon धनिया पाउडर और 3 to 4 teaspoon रेड लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से आ सके। तो अगर आप इसको ओवरनाइट सोक करके रख रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चे पपाया का पेस्ट लगा के रख दे सकते हैं, ताकि आप अगले दिन इसको जब भी प्रिपेयर करें आपको इसको प्रेशर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बगैर प्रेशर कुकर के आप ओनली गैस पर ही उसको पका सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दी 2 lemon का जूस। लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्मूथ सा पेस्ट बना के हम ये सारा जो पेस्ट है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, शोल्डर पीस जो है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में सारा जो पेस्ट आप बना के रखें वो आप इस पर अप्लाई कर दे सकते। अगर आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते, या फिर आप हरी मिर्ची का पेस्ट बना करके भी इसमें डाल सकते। तो इस तरह से इतना अच्छा इसको मसाज करना है ताकि ये जो सारे स्पाइसेस है वो अच्छी तरह से इसके कट्स के अंदर चले जाएं और जो मटन है वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है, जो स्पाइसेस जो रहेंगे, नमक और लाल मिर्च वगैरह, ये सारे जो मसाले हैं वो अंदर भी अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और अंदर का जो मटन है वो ड्राई नहीं रहेगा और फीका नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको अच्छे से मसाज करना है, तकरीबन 5 to 10 minutes आप इसको मैरिनेट करने के लिए ये कट्स में मसाला अच्छा फिल करते हुए इसको ऐड करेंगे। इसके बाद इसकी साइड टर्न करके पीछे की तरफ भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे भी आपको सारे का सारा जो मसाला प्रिपेयर करके रखें वो ऐड करना है और इसको अच्छे से मैरिनेट करके मिनिमम 4 to 5 hours के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते या फिर आप ओवरनाइट रख सकते। लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे जो टेस्ट इसका बनेगा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मैरिनेट होंगे और रोस्ट जो रहेगा वो अच्छे से जूसी और मसालेदार रहेगा। तो मैं यहाँ पे 4 to 5 hours के लिए इसको मैरिनेट करके रख दी। इसके बाद आप देख सकते हैं फ्रिज से निकालने के बाद, अब ये स्टेज पे हम इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करके इसको हम पकने के लिए गैस पे रखेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर पे नहीं बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई थी, तो आप इसमें पपाया का पेस्ट लगाकर एक बड़े से पैन पे गैस के फ्लेम पर ही इसको मिनिमम फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे रख के चेक करते हुए पका सकते। तकरीबन 30 to 40 minutes के बीच में ये जो शोल्डर पीस है वो अच्छे से गल जाएगा। अगर आप पपाया का पेस्ट नहीं लगाए तो आप इस तरह से प्रेशर कुकर में 3 to 4 whistle के लिए, जिस तरह से हम गोश्त गलाने के लिए लेते उसी तरह से आप इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसका जो सारा मसाला है वो अच्छे से इसमें स्पून की मदद से निकाल के ऐड कर दी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1/2 cup पानी इसमें ऐड कर सकते ताकि
ये जो मटन है पकते वक्त वो पानी यूज़ हो जाएगा और मटन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें इसी तरह से वॉश करके मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दी। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली कट करके डाल सकते हैं या फिर आप साबित टमाटर भी ऐड कर दे सकते हैं। और थोड़ा सा गरम मसाला, जैसे कि गरम मसाले में है लौंग, इलायची और दालचीनी के 2-3 पीसेस। ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में रख के आप इसको लेड इसका बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 3-4 विजल के लिए हम इसको पकाएंगे। इसके बाद ये जो लेग पीस या फिर शोल्डर पीस है वो अच्छे से गल जाएगा। एक बार आप उसको खोल के चेक करिए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, 40 मिनट्स के बाद जब मैं कुकर का लिड ओपन करके देखी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शोल्डर पीस है वो अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे मैं इसको कट करके चेक कर रही हूँ और जैसे ही मैं चेक करी आप देख सकते हैं मटन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब ये स्टेज पे अगर आप चाहे तो इसको ओवन में रख सकते, बेकिंग ट्रे पे निकाल के आप इसको डिश आउट करके ओवन में रख सकते, या फिर आप इस तरह से एक फ्राइंग पैन लेकर इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल, क्योंकि हम जब मटन गलने के लिए रखे थे उसके टाइम वो टाइम पर हम ऑयल नहीं ऐड किए थे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दी हाफ कप ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून्स। ये ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो कुकर से निकाल के ये लैम का जो शोल्डर है वो हम इसके ऊपर फुल फ्लेम पे रखेंगे, इसको लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे। अगर आप इसको लो फ्लेम पे रखेंगे तो फिर से इसमें से पानी रिलीज होगा। तो इसको आप फुल फ्लेम पे रखकर एक साइड पकाएंगे 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करके इसको फिर दूसरी तरफ भी हम रोस्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं ये जो मसाला है ये कुकर के अंदर जो हम टमाटर और पानी डाले थे उसका मसाला है। अगर आप चाहे तो इसी में आप इसको ड्राई कर सकते, या फिर अगर ये नीचे लग रहा है तो आप इसको अलग से पैन में निकाल के वो मसाला जो है वो मसाले को आप अच्छे से ड्राई पेस्ट बना सकते, ताकि वो मसाला हम ये रोस्टेड रैंड के ऊपर लगाएंगे, शोल्डर के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते मैं ये जो मसाला है इसको साइड में कुक होने के लिए रख दी। और ये जैसा ही इसका ऑयल रिलीज होकर ये टाइट हो जाएगा, ग्रेवी बन जाएगी, हम ये जो ग्रेवी है वो शोल्डर पीस के ऊपर ऐड कर देंगे, ताकि रोस्टेड जो शोल्डर पीस है वो अच्छे से ग्रेवी में कोटेड हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। दो तरफ से भी जो शोल्डर पीस है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसके ऊपर ये जो ग्रेवी है वो अच्छे से स्प्रेड कर देंगे साइड्स में और ऊपर पूरा, इसको आप पूरा सा इसको कवर कर देंगे ताकि जो मटन है वो अच्छे से जूसी हो जाएगा और ग्रेवी जो है वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसके ऊपर आप कुछ भी आपके जो मनपसंद चीज़ें हैं उसकी यूज़ करते हुए आप इसको डेकोरेट कर सकते। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको स्प्रेड कर रही हूँ। जब ये सारी ग्रेवी स्प्रेड हो जाएगी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ सेसमे सीड। इसको मैं थोड़ा सा साइड में भून के रख ली, रोस्ट किए हुए सेसमे सीड्स को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कलर है ब्राउन रेड कलर, इसके ऊपर लाइट कलर के जो सीड्स का कलर आता बहुत अच्छा दिखता, दिखने में जो लुक है वो अच्छे से अपीलिंग हो जाता। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी किसी भी तरह से फ्राइड वेजिटेबल्स है, सॉटे करके वेजिटेबल्स है, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह से आप उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस पर ऐड कर रही हूँ सेसमे सीड्स, जिसको मैं हल्के से रोस्ट करके रखी। और इसके साथ में वेजिटेबल्स, आप कैप्सिकम्स है या फिर कैरेट्स है, इस तरह के बीन्स है, ये वेजिटेबल्स को आप साइड में हल्का सा फ्राई करके या फिर सॉटे करके रख सकते, या फिर पोटैटो वेजेस बना के वो भी आप इसमें साइड में रख सकते। ऊपर लेमन के स्लाइसेस, थोड़े से हरी मिर्च, अगर चाहे तो हरा धनिया स्प्रिंकल करिए। प्रेजेंटेशन आपके हाथ में है, आप जैसा चाहे उसको प्रेजेंट कर सकते। तो ये थी आज की रेसिपी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप शोल्डर पीस को भी बना सकते हैं और लेग पीस को भी बना सकते हैं। अगर आपको, मैं पहले भी बता चुकी थी, पपाया का पेस्ट अगर आप लगाए तो आपको इस तरह से कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ आप पीस को बड़े से ट्रे में कुक कर सकते और जो पीस का शेप है वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा। अगर आप इस तरह से कट लगा दिए तो ये फोल्ड आ जाएगा, थोड़ा सा प्रेजेंट करने में इसको आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते।
तो ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार रहेगी। आप इसको चावल के साथ ले सकते हैं या फिर रोटी के साथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सर्व कर रही हूँ ये पोटैटो वेजेस के साथ, और साथ में मैं बनाई पुदीने की चटनी, पुदीने का रायता, दही में थोड़ा सा पुदीना ग्राइंड करके रख के, ये दही का रायता है जो पुदीने के साथ है। इसके साथ हम ले सकते हैं रुमाली रोटी या फिर घर की बनी हुई रोटी, और साथ में मैं बनाई इसके बिरयानी राइस, प्लेन बिरयानी राइस, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो होपफुली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीक़े से आप इसको बना सकते हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।